दोस्तों फिलहाल सिनेमाघरों में अगर किसी का बोलबाला है तो वो है बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 21 अप्रैल को ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान, और जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज फिल्म ने सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी का भाई किसी की जान अपने पहले 3 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म किसी का भाई किसी के जान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आपको बताता चलूं कि फरहाद सामजी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है जिसमें सलमान खान, वेंकटेश और पूजा हेगड़े अहम किरदार में नजर आ रहे। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए की कमाई करनी है। लेकिन फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो दोस्तों जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो फिल्म ने उम्मीदों के मुताबिक ओपनिंग नहीं की थी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन जहां 15 करोड़ 81 लाख रुपए की नेट कमाई की थी, तो वहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सलमान खान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन के कलेक्शन में जो हमें उछाल देखने को मिला, क्योंकि ईद का दिन था, छुट्टी का पूरा फायदा उठाया फिल्म ने, ईद का पूरा फायदा उठाया, और वहीं तीसरे दिन अपने पहले संडे को फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए बॉलीवुड की और साउथ की तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि फिल्म ने दूसरे दिन का जो कलेक्शन था सैटरडे का, ईद वाले दिन का, वो था इंडिया के अंदर 25 करोड़ 75 लाख रुपए का। तो फिल्म अपने पहले 2 दिनों में जो ऑफिशियली कलेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं 41 करोड़ 56 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे। फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ रुपए हो चुका था, ओवरसीज से फिल्म ने लगभग 21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 2 दिनों में फिल्म 71 करोड़ रुपए कर चुकी थी। तीसरे दिन की अगर बात करें तो आज ही संडे को फिल्म लगभग 30 करोड़ रुपए कमा रही है। एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में हमें अच्छा उछाल देखने को मिला है और फिल्म का 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 71 करोड़ रुपए इंडिया से हो रहा है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 115 करोड़ रुपए कर रही है और अपने पहले 3 दिनों में ही फिल्म अपना बजट रिकवर कर चुकी है। अब आगे जो फिल्म की कमाई होगी वो सुपर हिट होने के लिए होगी, और मुझे लगता है कि आने वाला पूरा 1 हफ्ता ये फिल्म रुकने वाली है नहीं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।